नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्योतिष ग्रंथ गंगा में। ऐसे ही और वीडियो के लिए कृपया हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। क्या हम अभी कलयुग के चरम पर हैं? कलयुग जब अपने चरम पर होगा तो आखिर क्या होगा? कलयुग का अंत कैसे होगा? कलयुग को चरम पर पहुंचने से रोकने में हमारा क्या योगदान हो सकता है? महान गणितज्ञ आर्यभट्ट की किताब आर्यभट्टियम में कलयुग के बारे में उन्होंने 23 साल की उम्र में ही लिखा था कि वह समय कलयुग का 3600वां वर्ष था। शास्त्रों में युगों का आंकड़ा बताया गया है, जिसके अनुसार मानव का एक मास पितरों के एक दिन व रात के बराबर है व मनुष्य का एक वर्ष देवता के एक दिन व रात के समान बतलाया गया है। मतलब जब हम मनुष्य 30 वर्ष व्यतीत करते हैं, उसके बराबर देवताओं का एक मास होता है। इसी प्रकार मानव के 360 वर्ष देवताओं का एक वर्ष कहलाते हैं। इसी गणना को लें तो मनुष्य के 4,32,000 वर्ष यानी देवताओं के 1,200 दिव्य वर्ष का पूरा एक कलयुग माना गया है। अर्थात कलयुग की उम्र 4,32,000 साल लंबी बतलाई गई है। खास बात यह है कि अभी तक कलयुग का मात्र एक चरण पूर्ण हुआ है, मतलब 5,118 वर्ष बीत चुके हैं और तकरीबन 4,26,882 वर्ष बाकी हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण की माने तो अभी पाप बहुत बढ़ेगा। जब कलयुग अपने चरम पर होगा तब मात्र 5 वर्ष की उम्र में स्त्री गर्भवती हो जाएगी व 16 वर्ष की उम्र तक मनुष्य का बुढ़ापा आ जाएगा व अधिकतम 20 वर्ष की आयु तक उसकी आत्मा मृत्यु प्राप्त कर लेगी। इसमें इंसान के बौने होते जाने का वर्णन भी किया गया है। इतना ही नहीं, कलयुग का जब 50,000 साल पूरा होगा तब मोक्षदायिनी गंगा सूख जाएंगी और पाप से त्रस्त होकर श्री वैकुंठ धाम चली जाएंगी। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि मात्र 10,000 वर्ष पूरे होने पर धरती से देवताओं का पलायन शुरू हो जाएगा, क्योंकि कलयुग के पापों को वह सहन नहीं कर सकेंगे। पूजा धर्म कर्म सब बंद हो जाएंगे। प्रकृति क्रुद्ध होकर विनाश फैलाएगी और चारों ओर हाहाकार मच जाएगा। नया सूर्योदय। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार ऐसी स्थिति में भगवान विष्णु कल्कि रूप में अवतरित होंगे। मात्र 3 दिन के लिए धरती पर आकर वह समस्त अधर्मी लोगों का नाश कर देंगे। इसके तत्काल बाद पृथ्वी पर मोटी धार से अनवरत वर्षा होगी और पृथ्वी पुनः संपूर्ण रूप से जलमग्न हो जाएगी। फिर 17,00,000 वर्षों का संधिकाल, एक युग के अंत दूसरे युग के प्रारंभ के बीच के समय को संधिकाल कहते हैं, होगा और संधिकाल के उपरांत पृथ्वी पर 12 सूर्य प्रकट होंगे। तब उनकी गर्मी से पृथ्वी का अनावश्यक जल सूख जाएगा व फिर सतयुग की शुरुआत होगी। बता दें कि कलयुग के अंत वर्णन न केवल हिंदू धर्म में बल्कि प्रलय का वर्णन कुरान व बाइबल में भी आया है, पर यह आगे की बातें हैं। अभी तो कलयुग के प्रभाव से जितना अधिक हम खुद को बचा लें, यह हमारे चरित्र बल की परीक्षा में हमें उत्तीर्ण कर देगा। हमारे चैनल के साथ जुड़कर जीवन को ज्योतिर्मय बनाने, जीवन शैली को बेहतर करने और हिंदू और सनातन धर्म के बारे में समाज में जागरूकता फैलाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।